वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टेस्ट फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। और इसके पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स में रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा आप लोग का रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। आज पहली हेडिंग इस यही बनेगी आपकी, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, है ना। कभी कभी आप लोग ग्लास में पानी भरा, उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए या पेन डाल दीजिए और तिरछा जब उसको देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमें पेन या पेंसिल टेढ़ा दिखाई पड़ता है, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या है, अपेरेंट डेप्थ। जो उसकी रियल डेप्थ होती है वो शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी ऊपर, है ना। तो हमें एक्चुअल डेप्थ ना दिखाई पड़ करके अपेरेंट डेप्थ का फील होता है, इसलिए वो थोड़ा टेढ़ा बन जाता है। ऐसे ही कोई जब ग्लास में या पानी की टंकी में एक कोई सिक्का गिरा हो या कोई ऑब्जेक्ट पत्थर गिरा हो, है ना, आपके कान की चीज़ कोई अगर गिरी है उसमें पानी की टंकी में, जब आप देखते हो ऊपर से ऐसे झांकते हो तो वो आपको बहुत ऊपर दिखाई पड़ता है, लगता है कि बस हाथ डालें यूँ और निकाल लें, लेकिन आप धोखा खा जाते हो और डीप में रहता है और फाइनली आप निकाल नहीं पाते अपने हाथ से, है ना। इतनी बड़ी गहराई होती है टंकी की, तो आप सोचते हो कि झुक करके हम निकाल लें, लेकिन इतना डेप्थ होता है कि आप उसको हाथ से निकालना इम्पॉसिबल होता है कि नहीं। तो इसका रीज़न यही है कि वो जो उसका एक्चुअल डेप्थ होता है उससे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, है ना। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसे बोलते हैं क्या, नॉर्मल शिफ्ट या अपेरेंट शिफ्ट, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है ये समझेंगे। तो एक डायग्राम लेते हैं बढ़िया सा, है ना। तो यहाँ एक क्या है आपकी, मान लो ये पानी की टंकी है, वही टंकी है आपके छत वाली टंकी मान लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है आपका, वाटर भरा है, कोई लिक्विड भरा है मान लीजिए, ठीक है। लिक्विड के फ्री सरफेस से, कहाँ से, फ्री सरफेस से बॉटम तक की हाइट, वो हम मानते हैं रियल डेप्थ, क्लियर। कहाँ से, इसके फ्री सरफेस से बॉटम तक की जो हाइट होती है वो हम मानते हैं क्या, रियल डेप्थ। तो इसे रियल डेप्थ को हम लोग क्या सिंबल दे दें, एच कह देते हैं, चलो ठीक है, ये रियल डेप्थ का हमने नाम दे दिया एच, ठीक है, डेप्थ ही है। वैसे डेप्थ को स्मॉल डी दिखाते हैं, तो डी रियल लिख सकते हैं, कुछ लोग डी रियल लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक सिक्का है मान लो पानी के अंदर, पॉइंट ओ पे है, और आप यहाँ कहीं से देख रहे हो, यहाँ आपकी मान लो आँख है, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सिक्का क्या आपको यही दिखाई पड़ेगा, एच डेप्थ नीचे ही दिखाई पड़ेगा, नहीं, ये थोड़ा सा और ऊपर यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा, या जहाँ पे हम अभी डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, मतलब ये एक्चुअल डेप्थ में दिखाई नहीं पड़ता जो रियल डेप्थ है, इसी को बोलते हैं रियल डेप्थ। ये क्या है आपका, हाँ, रियल डेप्थ, क्लियर। तो ऐसा होता क्यों है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइट रेस आ रही है बाहर, कहाँ से, इस पॉइंट ओ से, आफ्टरनून, यहाँ से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो कैसे मिलती हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। तो जो लाइट रे यहाँ से सीधे आती है, बिल्कुल सीधे नॉर्मली,
जो नॉर्मली स्ट्राइक करती है लाइट रे वो सीधे निकल जाती है, और जो क्रॉस आती है उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ कितना है, म्यू। यहाँ क्या है, एयर, और ये है बेटा रेयर और मीडियम, और ये है आपका डेंसर है। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं इसको सरफेस कहूँ, पानी का सरफेस, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने कहा ए, तो ये अवे फार हो जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे निकल जाती है लाइट रे। इस लाइट रे को जब पीछे खींचते हैं तो अपीयर टू मीट कहाँ कर रहा है, यहाँ, तो यहाँ पर इसका बनता है इमेज। क्या बनता है, इमेज, आई फॉर इमेज, यहाँ बनता है इसका इमेज। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये आई, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा भाई, ये इसकी क्या है, पैरेलल है। और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो कि रेयरर मीडियम में बन रहा है ये आर, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। क्लियर, तो यहां से जो ये हाइट है, ये फ्री सरफेस है, इसको हमें पॉइंट को आप बी, ठीक है, तो बी आई, जो बी आई का हाइट है वो हमने कितना मान लिया, डी, क्या मान लिया, डी, डी फॉर अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो आपको सिक्का यहाँ दिख करके यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो आप सोचो कि बहुत नज़दीक है, हाथ डाल के निकाल लेते हैं, है ना, आपको क्या लगेगा कि सिक्का यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, आप टंकी में देख रहे हो ऐसे, हाथ डाल के निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा, एक्चुअल में सिक्का यहाँ ना हो करके यहाँ पे है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, ओ आई, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, एक्स मान लेते हैं, ये एक्स क्या है आपका, नॉर्मल शिफ्ट, ये आपका नॉर्मल शिफ्ट है। तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग, डायग्राम बनाएंगे, फिर यहां पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो फिगर बन गया आपका, तो समझिए ध्यान से, अब देखो यहां से जो लाइट रेज आएंगी, इधर वाली इस साइड वाली, सभी लाइट रेज रिफ्रैक्ट होंगी, और जो सीधे आएगी वो रिफ्रैक्शन उसका नहीं होगा, वो बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगा। आप लोग ये पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में, है ना, ये नॉर्मल इंसिडेंट है तो सीधा निकल जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जो इसके जस्ट बगल वाली है, तो ये जो लाइट रे है इसके जस्ट बगल वाली है, क्लियर, इसके जस्ट बगल वाली, इसके इस साइड जस्ट बगल वाली, आप ये लाइट रे इधर भी दिखा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हम इधर इसी तरफ दिखाएं, आप इधर भी लाइट रे ले सकते हो, क्लियर। तो इसके जस्ट बगल वाली, ये जो लाइट रे है इसके जस्ट बगल वाली है। तो अब ये बताइए, जो एंगल ये बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई और ये आई इक्वल होगा, और साथ में ये आई वेरी स्मॉल होगा, ये भी आप जानते हैं, बोलो होगा ना, ये आई भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। जब आई वेरी स्मॉल होगा तो आर भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, बोलो होगा ना, क्योंकि ये जस्ट बगल वाली है कि नहीं, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, क्या अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये कहते हैं जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है ना, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, यानी साइन आई बराबर होगा जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, मतलब एयर में जा रही है, इनटू साइन आर, बोलो क्लियर है,
तो यहाँ से हम निकालते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये कितना आएगा 1/μ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फ्री सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रियल डेप्थ होगा, क्या होगा रियल डेप्थ, और फ्री सरफेस से इमेज जो बन रहा है उसका डिस्टेंस और अपेरेंट डेप्थ होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो ट्रायंगल ओ या ए ओ बी सी, अगर मैं साइन आई निकालूंगा तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाई हाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब ये हाइट और इस हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो जितना ये है रियल डेप्थ उतना ये भी आपका हो जाएगा। और एक चीज़ और छोड़िए, साइन आई है ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, आई के बराबर होगा, और आई बराबर टेन आई लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज इन ट्रायंगल ए ओ बी साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू हम क्या लेंगे टेन आई, तो टेन आई कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, एंड इन ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी साइन आर कितना होगा, कहोगे आर बराबर टेन आर, स्मॉल एंगल के लिए साइन आई बराबर टेन आर कर देंगे, और साइन आर इक्वल टू आर ले लेंगे, और ये बराबर टेन आर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो टेन आर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी अपॉन आई बी, क्लियर। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, बाई इक्वेशन फर्स्ट ए बी अपॉन ओ बी पूरे अपॉन ए बी अपॉन आई बी 1/μ, ए बी से ए बी कैंसिल, ये जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो फाइनली आई बी अपॉन क्या मिला, ओ बी इज इक्वल टू 1/μ। यहाँ आई बी ओ बी हमारा कितना है, ये है रियल डेप्थ, क्या है ये रियल डेप्थ, और ये है कितना हमारा एच, आई बी क्या है अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, ये हमारा कितना है स्मॉल डी, अपेरेंट डेप्थ कितना है स्मॉल डी। अब ये अपेरेंट डेप्थ स्मॉल डी है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो बाय इक्वेशन सेकंड यहां रखेंगे क्या, आई वी के प्लेस पे डी अपॉन एच इज इक्वल टू 1/μ। फाइनली मैं करूँगा कि यहाँ से रेसिप्रोकल लूँगा, और यहाँ से रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारा म्यू कितना जाएगा, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी, क्लियर है। इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया, क्लियर है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू आया रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ये फार्मूला बना इस कंडीशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो, तो यहां पे आपने कैलकुलेट क्या कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, आप इसे वर्डिंग में याद रख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का एक कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गया यहां पे, ठीक है। तो चेंज पैराग्राफ लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ, इसी के नीचे रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया आपका, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल शिफ्ट, मतलब ये परपेंडिकुलर कितना शिफ्ट हो गया अपने एक्चुअल पोजीशन से, परपेंडिकुलर कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर? तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट आप लिखेंगे रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। बोलो सही है ना? आप क्या करोगे, रियल डेप्थ से अपेरेंट डेप्थ क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यानी रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। क्लियर? अब नॉर्मल शिफ्ट हमने कितना मान लिया x, रियल डेप्थ कितना है h और अपेरेंट डेप्थ d है। इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे इसे, फोर्थ, यहां से d निकालेंगे बाय इक्वेशन थर्ड, d की वैल्यू मिलेगी h बाय म्यू। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, मैं इस साइड इरेज कर रहा हूं, ठीक है? तो नॉर्मल शिफ्ट कितना मिल जाएगा हमें, तो लिखेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फोर्थ, नॉर्मल शिफ्ट एक्स इक्वल टू एच माइनस एच बाई म्यू, यहां एच कॉमन ले लेंगे तो एच वन माइनस वन बाई म्यू, ठीक है? ये हो जाएगा। क्लियर? तो नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फार्मूला, रियल डेप्थ आपको पता रहना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? और इसी फार्मूले को हम देख करके नॉर्मल शिफ्ट निकाल सकते हैं ग्लास स्लैब से भी। किससे? ग्लास स्लैब। एक्चुअल में जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है वो नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा पूछता है नीट वगैरह एग्जाम में, हाँ, नॉर्मल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। तो इसी को देख करके हम निकाल सकते हैं, अगर ग्लास स्लैब का थिकनेस दिया हो टी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो एक्स इक्वल टू टी वन माइनस वन बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है ना? थिकनेस दिया हो टी। क्लियर? यहाँ तक हो गया, इरेज कर लो। और इसी के नीचे पैराग्राफ चेंज लिखो, इफ, नोट लगा दीजिए ना हो तो नोट, इफ थिकनेस ऑफ अ ग्लास स्लैब इज टी, क्या हो टी, देन नॉर्मल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, नॉर्मल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब से नॉर्मल शिफ्ट निकालना है तो एक्स इक्वल टू टी वन माइनस वन बाई म्यू, ठीक है? मान लो कोई ग्लास स्लैब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, आप यहां से देख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहां ना दिखाई पड़ेगा, कहीं यहां दिखाई पड़ेगा। क्लियर? यहां कहीं दिखाई पड़ेगा तो इसका थिकनेस अगर हमने मान लिया कितना है टी है, नहीं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये टी थिकनेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, ठीक है? ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर कहीं रखा हुआ या यहीं कहीं मान लेते हैं इसके जस्ट पीछे यहाँ पे, तो ये कहाँ दिखाई पड़ेगा हमें, है कि नहीं भाई? एक लाइट रेज यहाँ जाएगी सीधे ऐसे, वो निकल जाएगी सीधे,
एक थोड़ी क्रॉस जाएगी, वो क्या होगी डेंसर से, तो क्या होगी थोड़ी सी अवे फार होगी, तो इसको पीछे खींचेंगे इस तरह से, मतलब कुछ डायग्राम बनेगा। तो हमें डायग्राम नहीं जाना है, रे डायग्राम पे नहीं बहुत फोकस करना है, बस ये ध्यान रखिए ग्लास स्लैब है और उसके नीचे क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो हमें क्या एग्जैक्ट उसी लोकेशन में दिखाई पड़ेगा। अगर हम एक साइड से देखते हैं, एक साइड दूसरी तरफ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसी जगह लोकेशन में नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना नॉर्मली शिफ्ट हो जाएगा वही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप जनरली सिर्फ फार्मूला याद रखिए, ठीक है, इस पर सवाल बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, एक दूसरा ग्लास स्लैब लगा दिया, एक तीसरा ग्लास स्लैब लगा दिया, ठीक है, इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू ही है, तब क्या करेंगे, तो इन तीनों से नॉर्मल शिफ्ट जो होगा वो सब आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड। फार्मूला हमेशा यही रहेगा, T1 1 - 1 / μ प्लस T2 1 - 1 / μ, इस तरह से। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो यहाँ μ1 μ2 μ3 हो जाएगा, एक ही मटेरियल है तो सिर्फ 1 / μ ही रहेगा सब में, क्लियर। तो इस तरह से कंपटीशन में नेट में सवाल पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, T1 - 1 / μ, क्लियर। चलो तो ये हो गया आपका क्या, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में, ओके। अब हेडिंग रहेगा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। इसे शॉर्ट में TIR भी कहते हैं, क्या कहते हैं, TIR, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, TIR, ठीक है, TIR, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। मान लो कोई ये डेंसर मीडियम है, क्या है ये डेंसर मीडियम, ये मान लो डेंसर मीडियम है, डेंसर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, इधर क्या है एयर है, तो ये कैसा मीडियम होगा, कहोगे रेयर मीडियम होगा। जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है, सॉरी डेंसर टू रेयरर, तो क्या होता है, ये नॉर्मल है, ये बेंड होता है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो सही है। अब क्या करेंगे हम, इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, बोलो सही है भाई, ये आई है और ये क्या है आपका आर है, दिखाई पड़ रहा है ना। इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये क्या होगा, थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा। हम इस एंगल को इतना बढ़ा दें कि ये जो लाइट है ना इसको टच करता हुआ निकले, ऐसे मतलब ग्रास इमर्जेस करता हुआ निकले, ये इमर्जेंट रे है तो लाइट रे क्या हो, ग्रास इमर्ज हो, ग्रास करता हुआ जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। जब ग्रास करता हुआ जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। ये कहाँ बन रहा है, रेयरर मीडियम में, क्लियर। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा ना, बोलो। अगर मैं बात करूँ ये जो लाइट रे है, अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये थोड़ा सा और बेंड होगा, इधर थोड़ा सा और बढ़ा दें ये थोड़ा और बेंड हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिस पर क्या करेंगे, ये जो लाइट है इसको ग्रास करती हुई निकलेगी, मतलब टच करती हुई निकलेगी। जैसे मान लो हमने लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कराया, ऐसे ये नॉर्मल, तो लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, लाइट रे ऐसे निकल गई,
तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए है कि नहीं है, बोलो? ये जो r इक्वल टू 90 डिग्री हुआ है ये किसी एक फिक्स एंगल के लिए है कि नहीं है? क्या सभी एंगल के लिए r इक्वल टू 90 डिग्री होगा? ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस के सभी एंगल्स के लिए r इक्वल टू 90 डिग्री होगा? नहीं होगा, है कि नहीं भाई? कोई ना कोई एक एंगल ऐसा होगा जिस पर ये रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, इस पर ग्रैस करता हुआ निकलेगा, ग्रैस इमर्जेस होगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो ये एक फिक्स वैल्यू होगी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस की, अगर इससे ज्यादा और बढ़ा कर दे तब एंगल क्या होगा? तब यहां का मान लो हमने एंगल थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया, ऐसे ये एंगल हमने बढ़ा दिया। अब क्या होगा, ये जैसे डेंसर जा रही थी वापस डेंसर में आ जाएगी, तो यहां क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। अंदर की लाइट रेज अंदर ही रह गई, इंटरनल वाली लाइट रेज इंटरनल ही रह गई, एक्सटर्नल में नहीं गई, तो कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसी का नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब डेंसर से चलने वाली लाइट रेज वापस डेंसर में ही आ जा रही है, तो कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ। सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन मतलब TIR, और जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? तो TIR के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम क्या होते हैं? इक्वल। अगर थीटा तो ये भी थीटा, और जब 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? ऐसे एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल IC कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री। क्लियर? तो क्या कहेंगे क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन? इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, कोई नया एंगल नहीं है। क्रिटिकल एंगल है ना, वही पुराना वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड इन, कहाँ बना हुआ है? मेड इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कंडीशन यही है कि लाइट रे कहाँ चलनी चाहिए? डेंसर मीडियम में। एंगल कहाँ बनना चाहिए? डेंसर मीडियम में। मेड इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम becomes 90 degree। यही है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन, और इट इज डिनोटेड बाई IC। हम इसे IC नोट करेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे तो एग्जाम्पल फॉर ग्लास एंड एयर क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। 42 डिग्री होती है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, नोट कर लीजिए। तो क्रिटिकल एंगल IC से डिनोट करेंगे, और ग्लास और एयर के लिए हम जनरली एग्जांपल के फॉर्म में देते हैं। कितना होता है? 42 डिग्री। अगर ग्लास से लाइट रे जा रही है तो क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए? 42 डिग्री, है ना? अगर 42 ज़्यादा अगर हम स्ट्राइक करा दें 45 पर मान लो, तब क्या होगा? तो अगर 45 पर स्ट्राइक कराएंगे तो वापस चली जाएगी, क्योंकि अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे आप क्या करा रहे हो? इंसिडेंट करा रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें क्रिटिकल एंगल के केस में, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें जो एंगल बनता है उसका साइन, तो क्या एंगल बन रहा है? आईसी, तो इसका साइन आईसी बराबर। जिस मीडियम में जा रही है लाइट, जिससे आ रही है वो क्या है? डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, उसमें एंगल क्या बन रहा है? आईसी बन रहा है, तो साइन आईसी क्रिटिकल एंगल। जिस मीडियम में जा रही है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और उसमें जो एंगल बन रहा है कितना? 90 डिग्री, उसका साइन यानी साइन 90 डिग्री। तो म्यू इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन साइन आई सी, याद रखना। जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, क्रिटिकल एंगल दिया हो, क्या निकालना हो? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, क्रिटिकल एंगल गिवन रहे आपको, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? क्लियर। चलिए, ये हो गया आपका क्या, क्रिटिकल एंगल के बारे में। म्यू इक्वल टू 1/sin IC, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, याद रहेगा? बोलो। वेरी गुड। अब TIR का डिफिनेशन आप बता सकते हो? है ना, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन मूविंग लाइट रेज फ्रॉम डेंसर मीडियम रिटर्न्स टू द सेम मीडियम। क्लियर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, और जहां भी रिफ्लेक्शन होता है वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है ना? अब TIR के कुछ एप्लीकेशंस है। क्या है एप्लीकेशन? जैसे मिरेज का फॉर्मेशन इन डेजर्ट है ना, वो भी किस पर काम करता है? TIR पे। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड किस पर काम करता है? TIR पे। शाइनिंग ऑफ बबल्स इन वाटर वो भी TIR है। क्लियर। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है? TIR है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, आपने देखा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म छोटा सा होता है ना, जो दूरबीन लगता है, किस में लगता है? दूरबीन में, है ना? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। और वो कैसा प्रिज्म होता है? वो आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म होता है, जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, और बाकी कितने होते हैं? 45 की, ठीक है। तो इन सब में TIR का फेनोमेना देखने को मिलता है। तो इरेज कर दें इतना जो आपने लिखा है इस साइड। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR। हेडिंग लगा दीजिए, हेडिंग रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या एप्लीकेशन। तो पहला है आपका फर्स्ट नंबर, फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स, फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स। मिरर्स का मतलब होता है हिंदी में मिरिचिका, मिरिचिका मतलब होता है छलावा, है ना? मिरर्स कहाँ पे होता है? ये अक्सर डेजर्ट में देखने को मिलता है, मतलब हमें पानी का क्या बनता है? इमेज दिखाई पड़ता है ना? पानी का क्या दिखाई पड़ता है? इमेज,
हाँ रहता रेत ही से। आप कभी भी गर्मियों के दिनों में देखे होंगे सड़कों पे पानी दिखाई पड़ता है जगह जगह पे, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है जब गर्मी तो सड़कों पे पानी दिखाई पड़ता है जगह जगह पे, जहाँ पे कहीं गड्ढा हुआ यहाँ ऊपर नीचे कहीं पे अगर है तो वहाँ पे जो है आपको लगता है कि पानी भरा हुआ है वहाँ पे। तो ऐसा सिर्फ TIR कारण ही होता है। TIR को समझ लिया जाए ठीक है। ये मान लो कोई ट्री है, क्या है ये ट्री, ठीक है। यहाँ क्या है आपका डेजर्ट है ये, ठीक है। जो यहाँ ट्री के ऊपर की एयर होती है वो ठंडी हवा होती है, और जो रेत में होता है रेत के पास वाली जो एयर होती है एकदम पास वाली वो बहुत ही गर्म होती है, इसलिए रेत भी क्या होता है गर्म हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा क्यों होता है मालूम है, तो ये रेयर जो ठंडी हवा होती है कोल्ड एयर वो हॉट एयर के कंपेयर में डेंसर होता है। जो कोल्ड एयर होता है हॉट एयर के कंपेयर में क्या होता है डेंसर होता है, घना होता है, और जो हॉट एयर होती है वो क्या होता है रेयरर मीडियम होता है। तो यहाँ हमने क्या लिया है कुछ लेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं लेयर्स, किसका एयर का। तो ये एयर क्या है लेयर्स है, देखो ये लेयर बहुत पास पास है, तो जो तीसरा लेयर होगा थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहेगा, चौथे लेयर गैप और ज़्यादा रहेगा, पांचवें का और ज़्यादा रहेगा, छठवां ये है मान लो। यहाँ पे क्या है आपका कोल्ड एयर है, क्या है कोल्ड एयर, और ये होता है डेंसर, क्लियर। यहाँ होता है आपका हॉट एयर, ये होता है रेयरर मीडियम। मतलब जैसे जैसे आप ट्री से नीचे आओगे मतलब ऊपर से नीचे आएंगे एयर क्या होती रहेगी धीरे धीरे गर्म होती रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि रे जो हमारा डेजर्ट है वो सन की लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा रेडिएट भी करता है, पढ़ा होगा ना एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्टिव पावर 11th क्लास में, और रेडिया है ना इमिसिव पावर। तो इससे क्या होता है रेत यहाँ का बहुत ज़्यादा ही हीटेड हो जाता है, ऊपर क्या होता है हवा होती है तो हवा थोड़ी एब्जॉर्ब करता है लाइट रे को, तो इसलिए वो कोल्ड रहता है ऊपर का, और नीचे क्या होता है हॉट। तो कोल्ड एयर डेंसर होता है और ये होता है रेयर। तो यहाँ से जो लाइट आएगी कहाँ से ट्रीज से, मान लो ट्री से एक लाइट रे ऐसे निकली ऐसे, तो ये क्या होगी डेंसर से कहाँ जा रही है अब रेयरर में, तो थोड़ी सी क्या होती है ये अपने पास से डाइवर्ट हो गई। अब क्या होगा फिर क्या होगी थोड़ी सी और ये डाइवर्ट होगी ऐसे, क्लियर। अब यहाँ से भी क्या होगा लाइट रे स्ट्राइक की है ऐसे, तो यहाँ से भी थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, क्लियर। ऐसे थोड़ी थोड़ी क्या होगी ये डाइवर्ट होती रहेगी, क्या होगी डाइवर्ट होती रहेगी। लेकिन अब जब यहाँ से होगी तो यहाँ से फाइनली डेंसर से क्या होती है रिफ्लेक्ट कर जाती है। मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये आप हो मान लो, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से TIR होना स्टार्ट हो जाएगा और ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ये एक लाइट रे है, क्लियर। ऐसे यहाँ से जो लाइट रे आएगी ये नॉर्मल है, यहाँ से भी क्या होगी अवे फार होगी ऐसे, यहाँ से भी क्या होगी निकल जाएगी लाइट रेस। मतलब जो भी लाइट रेस है वो कहाँ जाएंगे सीधा ऑब्जर्वर के आइस पर स्ट्राइक करेंगी, और वो भी TIR होकर के। मतलब ये जो लाइट रे है ये TIR हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है TIR। तो TIR वाली जो लाइट रेज है रिफ्लेक्टेड रे वो कहाँ पहुँच रही है ऑब्जर्वर के आइस पर, क्लियर। और वो जब लाइट रेज को जब हम पीछे ट्रेस करेंगे ऐसे ऐसे जब ट्रेस करेंगे पीछे की तरफ, तो टेढ़ा बन रहा है ये,
है ना, जब इसे पीछे तरफ ट्रेस करेंगे तो यही कहीं यहाँ क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। क्लियर? यहाँ पे क्या बन जाता है इसका, हाँ इमेज। किसका इमेज बना, ये ट्री का इमेज बनेगा। तो इसे क्या फील होगा कि यहाँ पे कोई पॉन्ड है, तालाब है, जिसमें उसका ट्री बनता है। आप अक्सर देखे होंगे तालाब के किनारे अगर पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हैं, तो उसका इमेज ऐसे बनता है। बोलो सही बात है। तो उसे क्या लगेगा कि यहाँ पे कोई पानी है और इसलिए उसका इमेज यहाँ बन रहा है, इसको ये फील होगा। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे क्या फील होगा कि पानी है, तालाब है, नदी है, झील है, और जिसमें उसका इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो यही है मिरेज, यही है छलावा, ठीक है ना, यही है छलावा, मिरेज। क्लियर? इसी बोलते हैं मिरेज फॉर्मेशन इन डेजर्ट। तो ये फिनोमेना किस पर काम करता है, TIR पे। बना लीजिए इसको डायग्राम। तो ये है आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ मिरेज इन डेजर्ट। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसके बारे में लिख लेंगे ना बोर्ड एग्जाम में कि किस फेनोमेना पे काम करता है, तो आप बताएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, बस यही पूछता है, बाकी रे डायग्राम कभी कभी कह देता है बनाने के लिए। तो आप बढ़िया से रे डायग्राम बनाइए, सभी लाइट रेस को प्रॉपर मीट कराइए और दिखाइए इसमें क्या रिफ्लेक्शन। तो ये था पहला एप्लीकेशन। और अब सेकेंड एप्लीकेशन होगा आपका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। नोट कर लीजिए, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। जो हीरा होता है वो चमकता रहता है ना। किस पर बेस्ड है ये, TIR पे काम करता है ना। शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, ये भी किस पे काम करता है, TIR। ठीक है ना, किस पर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि इसमें लाइट क्या होती है, TIR करती रहती है अंदर। ठीक है, याद रखना, MCQ में कभी कभी पूछ सकता है कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन दिया रहेगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR एंड डिस्पर्सन, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इरेज कर दें। ठीक है, एक चौथा है ऑप्टिकल फाइबर, कौन सा, फोर्थ नंबर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये बहुत पतली सी पाइप होती है, बहुत पतली सी, वेरी थिन, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत पतला होता है, और इसमें क्लैडिंग किया जाता है एक मटेरियल का, वो भी ग्लास टाइप का होता है। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर की कई सेट मतलब उसका बंडल्स, कई ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बंडल बनाते हैं, सेट बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट पाइप। क्या कहते हैं, लाइट पाइप। और इस लाइट पाइप का यूज़ होता है आपके किस में मालूम है, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी, पहला यूज़ कहाँ पे, हाँ जैसे कभी कभी ना अंदर से नली पतली सी डालते हैं पाइप, जो है अंदर का कहाँ पे क्या कैंसर है ना, अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, पता लगाने के लिए वो लाइट पाइप का यूज़ करते हैं, और एक पतली सी ट्यूब नाक के सारे या मुंह के सारे अंदर डालते हैं। याद होगा, कभी कभी इसे नसों में भी डालते हैं कुछ इलाज करने के लिए, बहुत जब सर्जरी होती है, पतली पतली जो है नस ट्यूब्स में पाइप के थ्रू कुछ सर्जरी करते हैं, तो उसमें होता है, बहुत ज़्यादा विशेष को हमको नहीं पता किस तरह से यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट यूज़ होता है, और सबसे बड़ा यूज़ इसका
जो आजकल रिलायंस कंपनी जो है अपना 5G लॉन्च कर दिया है, 5G जो 4G ये पॉसिबल हो पा रहा है इसी ऑप्टिकल फाइबर की देन है, ठीक है ना। जो 5G लॉन्च हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। मतलब जब वही स्पीड, मतलब जो हमारे पास मोबाइल में आता है, क्या कहते हैं, सिग्नल्स आते हैं, टेलीफोन्स आ रहा है, डेटा आप लोग इंटरनेट चला रहे हैं, वो क्या है एक्चुअल में, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उसकी स्पीड कितनी होती है सबको पता है, 3×10^8। ये स्पीड कम ना हो, इसी स्पीड से लाइट ट्रेवल करे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बढ़ा देते हैं, उसमें कराते हैं TIR। तो मैं एक छोटा सा फंक्शनिंग दिखा रहा हूँ TIR का। जैसे मान लो ये क्या है, ट्यूब है, उसका पाइप है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अंदर का यहाँ पे क्लैडिंग किया गया हुआ है और उसी में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ लगा होता है बेटा ट्रांसड्यूसर, के हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और लाइट रे को कुछ तरह इस तरह से क्या करेंगे, स्ट्राइक कराएंगे। तो ये इस तरह से स्ट्राइक होता है कि ये जो ये एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं। तो जितने एंगल पे ये स्ट्राइक करता है उतने एंगल से TIR कर जाता है ऐसे। यहाँ जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होता है, तो यहाँ से भी TIR हो जाता है ऐसे। यहाँ भी नॉर्मल स्ट्राइक करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज़्यादा एंगल इंसिडेंट करेगा, TIR कर जाएगा ऐसे। तो ऐसे ये TIR करते करते ये फाइनली क्या होगा, ये बाहर निकल जाता है, क्या होता है ये, हाँ ये बाहर निकल जाता है इस तरह से। क्लियर। तो TIR का फिनोमेना होता है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस कह लीजिए जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। और इसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, 3×10^8, बिना स्पीड चेंज किए ये बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है, ठीक है ना। अब ये लाइट पाइप को, मतलब लाइट पाइप जो है ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी और बढ़ा देंगे अच्छे से, तो वही हमारा डेटा और हाई स्पीड से चलने लगता है। पहले 2G चलता था, 3G आया, 4G आया, अब 5G आया, आगे हो सकता है 6G आए, है ना। तो डेटा की स्पीड कैसे बढ़ रही है, इसी ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से, ठीक है ना। किसकी वजह से, ऑप्टिकल फाइबर। और इसका बंडल्स यूज होता है, उसे हम लोग कहते हैं लाइट पाइप, ठीक है। ये पतली सी दिखना में, दिखने में क्या है कि बहुत बड़ा है, ये बहुत पतला होता है, उसके अंदर की मैं वेव को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वो वेव ऐसे ट्रेवल करता है उस ऑप्टिकल फाइबर में। ये समंदर के नीचे नीचे बिछाया गया है ऑप्टिकल फाइबर, लाइट पाइप, है ना, जहाँ से डेटा सप्लाई होता है ना, उस स्टेशन से कनेक्शन है दूसरे स्टेशन तक के लिए, समुद्र के नीचे नीचे बिछाया गया है, ठीक है ना। हाँ, समुद्र के नीचे नीचे, समुद्र के नीचे नीचे लाइट पाइप को बिछाया गया है, हाँ होते हुए, ठीक है, वही है ऑप्टिकल फाइबर। तो TIR पे काम करता है बेसिकली, ये जानना है यूज़ कहाँ पे होता है, बहुत डिटेल इसके बारे में नहीं सीखना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब जो आपका टेक्नोलॉजी है वो सिग्नल ट्रांसमिट होती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब कभी कभी सवाल आपको दे देता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, लास्ट 5 एप्लीकेशन है क्या, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, एन आइसोस्केल्स लिखो, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये 5th नंबर एप्लीकेशन है, किसका है ये, TIR का है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल,
प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, किसका ये ग्लास का है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कितना है आपका 45 डिग्री है, ये भी कितना है, ये 90। ठीक है, तो ग्लास का बना है, जब कोई लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलर तो क्या होगा, इसका डाइवर्जन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगी। यस बोलो, 90 डिग्री लाइट रे यहां स्ट्राइक करेगी, क्लियर। तो इसके बाद अब लाइट रे कहां जा रही है, डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में, कहां जाना चाह रही है, डेंसर से रेयर में, तो क्या जा पाएगी, क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये एंगल पता लगाएंगे कितना होगा, ये एंगल कहोगे ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा, जब 45 है तो ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42, उससे ज़्यादा एंगल पे स्ट्राइक कर रही है तो क्या हो जाएगा TIR। तो 45 पे स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे, तो 45 पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी एज, ये भी 45, क्लियर। अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा है ना, जब नॉर्मल स्ट्राइक करेगा तो सीधे निकल जाएगी लाइट रेस। तो ये है आपका TIR, क्या है ये, तो इसमें लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट हो गई, 90 डिग्री, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इससे ये डेविएशन कितना हुआ, 90 डिग्री, क्लियर। तो आप एक ये बना सकते हैं एग्जांपल में, इसी में टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में, ठीक है ना, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा ऐसे, इंसिडेंट रे देकर छोड़ देगा, ठीक है ना, आपसे कहेगा ट्रेस द कंप्लीट पाथ ऑफ लाइट रे। अब जैसे ध्यान दो कि जैसे कि हम ऐसे कर दें कुछ यूं, ऐसे, यह है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ए बी सी, ये 90 आपका है, ये 45 है, ये क्या है 45। अब कितना अगर लाइट रे हम ऐसे स्ट्राइक कराते हैं ऐसे, तो क्या होगा, इसका पाथ ट्रेस करिए, पाथ कहाँ जाएगा, यहाँ सीधा निकलेगा ये ऐसे 90 डिग्री, ये 45, तो यहाँ से स्ट्राइक करेगा ये TIR, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये 45 90, ये 45 तो ये भी 45, तो ये TIR यहाँ पर भी हो जाएगा। तो कितनी बार TIR हुआ यहाँ पे, यहाँ दो बार TIR हुआ, कितनी बार TIR हुआ, तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना बनेगा, 180 डिग्री, मतलब ये लाइट रे डेविएट हुआ है अपनी ओरिजिनल पाथ से कितना, 180 डिग्री डेविएट हो गया है, डाइवर्ट हो गया है, क्लियर। एक बार यहाँ 90 डाइवर्ट हुआ, एक बार यहाँ 90 डाइवर्ट हुआ, क्लियर, तो कितना डाइवर्ट हुआ, 180, 180 डिग्री डाइवर्ट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। और आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है,
45 90 डिग्री 45। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हो ए बी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो ए बी, तो एक लाइट रे ऐसे स्ट्राइक कराएंगे, लाइट रे सीधा जाएगी, ये टी आई आर हो जाएगा इसका, ए डैश बी डैश, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरह से टी आई आर देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो ये तीन आपने डायग्राम बना लिया है। अब चौथा डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए, इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर ये लाइट, इस प्रिज्म को हम ऐसे रख देते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे एंगल ऑफ प्रिज्म है ये 45, ये भी 45। लाइट रे मान लो ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा स्ट्राइक करे लाइट रे तो पाथ कैसा होगा। तो ये तो सीधे निकल जाएगी या 90 डिग्री बनेगा, ये 45 नॉर्मल, तो ये 45 यहां से टी आई आर करेगा 45 पे, ऐसे यहाँ भी क्या बन रहा है 45, तो ये क्या होगा यहाँ से टी आई आर ऐसे, है ना, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये सीधे निकल जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे सीधे कुछ इस तरीके से है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ भी टी आई आर हो रहा है दो बार, तो यह टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म से टी आई आर कैसे दिखाना है। तो बोर्ड की एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको एक रे दे देगा, कहेगा कंप्लीट द ट्रेस द कंप्लीट पाथ, आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है ना। लगभग वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, क्रॉस में है, हाँ, इस चीज को हमने उलट दिया, ऐसे कर दिया है कि नहीं। चले इरेस कर दें अब। अब एक इसमें लास्ट है, एरिया ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हेडिंग क्या रहेगा, एरिया ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये भी टी आई आर पे कुछ जैसा है, और क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा टी आई आर का, तो हेडिंग रहेगा एरिया ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन नहीं है, एक अलग से कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, कोई लिक्विड है, डेंसर मीडियम,
और इसमें अंदर एक बल्ब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बल्ब। यहाँ पे कोई बल्ब रखा हुआ है, तो ये बल्ब कितने एरिया में दिखाई पड़ेगा? ऊपर से आप मान लो देख रहे हो, यहाँ आपकी क्या है, आँख है, ठीक है, इकरा की आँख है ना? तो ये बल्ब कितने एरिया में दिखाई पड़ेगा, है ना? तो देखो जो नॉर्मल लाइट रे आएगी यहाँ से, वो सीधे निकल जाएगी, इकरा की आँख में जाएगी, है ना? यार टेढ़ा हो जा रहा है ना? ऐसे ये लाइट रेज है ना, सीधे ये सीधे निकल जा रही है लाइट रे, जो इस साइड होगी, इस साइड होगी, इस साइड होगी, इस साइड होगी, उनका क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जो इसके जस्ट बगल वाली होगी, क्या हुआ, जो जस्ट बगल वाली है वो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं? ऐसे ये लाइट रे दिखाई पड़ेगी। इसकी और थोड़ा सा हम जस्ट बगल वाली लाइट रे लेते हैं, ये भी दिखाई पड़ेगी। ये मान लो क्रिटिकल एंगल पे आ गया, आईसी पे, तो लाइट रे ऐसे निकल जाएगी। क्या जो इसके बाद वाली लाइट रे है वो दिखाई पड़ेगी आपको? वो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं जो क्रिटिकल एंगल पे लास्ट वाली रे होगी वही हमको दिखाई पड़ेगी, है ना? तो ये आईसी है एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, आईसी होगा। ऐसे इधर भी आईसी एंगल पे क्या होगी, लाइट रे हमको दिखाई पड़ेगी, बोलो। तो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक, बोलो, बने नहीं बनेगा? तो इस सर्कल में पूरा ये लाइट रे दिखाई पड़ेगी, मतलब ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। क्लियर भाई? इधर भी ऐसे देखेंगे तो लाइट रे इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इस साइड से, इस साइड से भी, एक सर्कल में दिखाई पड़ेगा वो लाइट रेज। क्लियर? उस ऑब्जेक्ट से, बल्ब से जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक सर्कल में दिखाई पड़ेगा, बोलो, पड़ेगा ना? तो जो लाइट रेज परपेंडिकुलर आ रही है वो उस सर्कल का क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। क्या बनेगा? सेंटर सी। ये पॉइंट है ए, इसको कहा हमने बी। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस आर। क्लियर? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आईसी, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, आईसी हो जाएगा। तो इस सर्कल का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो आपको चाहिए क्या, ये रेडियस चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, बोलो। अच्छा, इसकी हाइट कितना है, रियल डेप्थ कितनी है यहाँ पे, एच, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टैन आई सी लगाएं, क्या लगाएं, इन ट्रायंगल ए ओ सी, टैन आई सी कितना हो जाएगा आपका, मतलब जो आई सी होगा वो वेरी स्मॉल एंगल होगा, बोलो, या छोड़ देता था। टैन आई सी कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए सी अपॉन ओ सी। ओ सी कितना हमारा है, एच, तो टैन आई सी कितना आ जाएगा आपका, यह है आर, ओ सी हमारा एच है, तो आर कितना हो जाएगा, एच टैन आई सी। ये रेडियस मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ल्यूमिनस ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू पाई आर, आर के प्लेस क्या रखेंगे, एच, एच स्क्वायर टैन स्क्वायर आई सी। तो ये एरिया बन जाता है, एरिया ऑफ ल्यूमिनस। क्लियर? मतलब जो क्रिटिकल एंगल तक लाइट रेज इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड,
है ना, क्रिटिकल एंगल तक लाइट रे स्ट्राइक करेंगी, वही लाइट रेज क्या होंगी हमें दिखाई पड़ेंगी, आंख तक आएगा। क्लियर? जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे स्ट्राइक करेगी लाइट रेज, वो क्या होगी, TIR हो जाएगा। क्या वो दिखाई पड़ेगा? वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमें जो ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बल्ब जैसे, वो एक सर्कल में दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं, किस में दिखाई पड़ेगा, हाँ एक सर्कल में दिखाई पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से, हमें ये आर चाहिए, ये आई सी, तो ये भी कितना होगा आई सी, भाई अंतिम रेज यही है ना आई सी वाली ही, तो ये आई सी, तो ये भी आई सी, ये रियल डेप्थ आपका एस दिया हुआ है, ये निकाल सकते हैं टेन लगा करके, परपेंडिकुलर बाई बेस, हमने आर रेडियस निकाल लिया, फिर पाई आर स्क्वायर लगा करके एरिया निकाल दिया। क्लियर? अब चाहो तो आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, वन बाई साइन आई सी होता है, बोलो होता ही नहीं होता, बोलो होता है। अब ध्यान दो, जहां पे हमारा टेन आई सी है वहां क्या लिख सकते हैं हम, साइन आई सी बाई कॉस आई सी, बोलो, बिकॉज टेन आई सी इक्वल टू साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी। यहां से अगर साइन आई सी निकाल लें हम, तो कितना आएगा, वन बाई म्यू, बोलो क्लियर। और कॉस आई सी के प्लेस में लिख सकते हैं क्या, एक मिनट, ये स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, तो टेन स्क्वायर आई सी इक्वल टू साइन स्क्वायर आई सी बाई कॉस स्क्वायर आई सी, वहाँ भी स्क्वायर है ना, इसलिए साइन स्क्वायर आई सी को यही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को ले सकते हैं अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर आई सी। अब यहाँ से टेन स्क्वायर आई सी की वैल्यू कितनी होगी, ये वन बाई म्यू है, तो वन बाई म्यू स्क्वायर, यहाँ भी अंडर वन माइनस वन बाई म्यू स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो वन बाई म्यू स्क्वायर, यहाँ म्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट लेंगे म्यू, म्यू जाएगा ऊपर यहाँ पे, ये इसका मल्टीप्लाई, तो म्यू बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, एक ब्रैकेट में इंटू म्यू स्क्वायर, म्यू से क्या होगा, एक म्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, म्यू कैंसिल, सही जा रहे हैं ना हम लोग, साइन आई सी वन बाई, ठीक है। तो टेन आई स्क्वायर आई सी कितना मिल जाएगा, टेन स्क्वायर आई सी, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोलो, हम ये टेन स्क्वायर आई सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तो टेन स्क्वायर आई सी आएगा वन बाई म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, यही आ रहा है ना। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम, सेकेंड में, तो बाई इक्वेशन सेकेंड एरिया ऑफ ल्यूमिनस कितना आएगा, पाई एच स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वन बाई म्यू अंडर रूट टेन स्क्वायर, सॉरी म्यू स्क्वायर माइनस वन, यही आएगा एरिया, तो ये स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ए इक्वल टू पाई एच स्क्वायर बाई म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, क्या हुआ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, फर्क क्या है, देखो हमें म्यू इक्वल टू वन वन बाई साइन आई सी पढ़ा हमने, तो साइन आई सी कितना होगा, वन बाई म्यू होगा, हम टेन आई सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो वहां बट स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर आई सी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर आई सी बाई कॉस स्क्वायर आई सी, इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर आई सी, साइन आई सी की वैल्यू कितनी है, वन बाई म्यू, तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ म्यू स्क्वायर, यहाँ म्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन म्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा म्यू, बोलो ये बाहर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, एक म्यू से म्यू कैंसिल, ये बचेगा, हमने टेन स्क्वायर आई सी निकाल के वहाँ वैल्यू पुट कर दिया, बस हो गया। क्लियर? तो यही था आज के इस लेक्चर में,
यही है एरिया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका। आप सिर्फ सिंपल ये याद रखिए R इक्वल टू एस टेन आई सी, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, हाँ R इक्वल टू एस टेन आई सी, तो यहाँ पे आप टेन आई सी रखेंगे और इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो आज की सिलेक्शन में सिर्फ इतना ही, इसकी आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अब स्फेरिकल सरफेस से यानी लेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेंस से रिफ्रैक्शन सीखेंगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर नंबर 4 में इतना ही, पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।